हेलो नमस्ते, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। यूट्यूब हर कोई चलाता है, इवन इंडिया में करोड़ों यूजर्स हैं यूट्यूब के। तो यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब ऐप के अंदर ऐसे छुपे हुए फीचर हैं बहुत सारे जिसके बारे में, हिडन ट्रिक्स के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मैंने आपको उन सब के बारे में डिटेल से बताया है, सबको ढूंढ के लिस्ट बाय लिस्ट, तो आप बहुत कुछ जानने वाले हो YouTube के बारे में। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि YouTube में आजकल हर कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह करता है, तो आपके फैमिली में हो सकता है आपके बच्चे या कोई भी YouTube वगैरह देखते होंगे, तो YouTube में इंटरनेट का जल्दी ख़त्म हो जाना या YouTube की वजह से स्टोरेज का भर जाना, वो सब हम सॉल्यूशन बताएंगे। वीडियो में बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना है YouTube ट्रिक या YouTube बेस्ट ट्रिक लिख दीजिएगा। वैसे पूरा वीडियो देखिए फिर कमेंट करिएगा, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कमेंट करने के लिए। खैर हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले YouTube को ओपन करना है। YouTube को जब आप ओपन करेंगे, आपको कॉर्नर में देखिए नीचे आपका सेटिंग दिखेगा YouTube का, तो वहाँ पे आपको जाना है। तो पहले यहाँ पे होम स्क्रीन में आप देखेंगे कि वीडियो ऑटोमेटिक चलने लग गया। तो पहले हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो आपका ऑटोमेटिक चलता है ना स्क्रीन पे बिना प्ले किए हुए, तो इससे दो नुकसान होता है। एक तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाता है और डाटा भी ख़त्म होने लगता है। तो ये जो ऑटोमेटिक वीडियो चलने लगता है, इसको बंद करने के लिए पहले आपको बताएंगे, क्योंकि इससे आपका दो दो फायदा होने वाला है, बैटरी का और डाटा का। सो इसको बंद करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग की ओर। तो YouTube में डायरेक्ट आपको ओपन करना है। अगर आपका YouTube ओल्ड वर्जन का है तो YouTube का सेटिंग आपको ऊपर में ही दिख जाएगा, नहीं तो आपको नीचे क्लिक करना है कॉर्नर में। ये मैंने कॉर्नर में क्लिक किया और फिर देखिए ऊपर में आ गया सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक करिए और इसको बंद करने के लिए जनरल पे दबाना है। जनरल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा प्लेबैक इन फीड। सो प्लेबैक इन फीड पे क्लिक करके यहाँ पे दो चीज़ दिखेगा, एक तो ऑलवेज ऑन और वाईफाई ओनली और ऑफ बटन। तो आपको ऑफ पे क्लिक कर देना है, ऑफ कर देंगे फिर से दोबारा आप चेक कर लीजिएगा कि ऑफ हो गया। फिर हम चलेंगे प्ले करने के लिए। एक बार मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखिए वीडियो ऑटोमेटिक चलना बंद हो गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो है आपका डाटा भी बचेगा और जो बैकग्राउंड में वीडियो चलने लगता था वो भी स्टॉप हो गया, बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ और मैं बताऊँगा स्ट्रॉन्गली तरीके से, कि आप अपने फ़ोन में ये सेटिंग कर ही लो। ये दूसरा सेटिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी डाटा बचाने के ऊपर ही है। मतलब इंटरनेट का MB जो है आपका तुरंत ख़त्म हो जाता है, 1.5 GB वाला डाटा आपको कम पड़ जाता है। तो अगर आप ये सेटिंग कर लोगे ना, तो आपका 1.5 GB का डाटा ना वो काफ़ी अच्छे से चलेगा, ज़्यादा चलेगा। सो यहाँ पर मैंने सेटिंग में गया, वही सेटिंग में फिर यहाँ पर डाटा सेविंग का एक सेक्शन मिलेगा। तो डाटा सेविंग के सेक्शन में काफ़ी सारे बटन हैं। अगर आप सिर्फ डाटा सेविंग को चालू कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली डाटा बचेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला सेटिंग सिर्फ आप चालू रखो, रिड्यूस वीडियो क्वालिटी। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसमें आपके क्वालिटी भी कम चलेंगे, मतलब क्वालिटी आपको अच्छा दिखेगा, बस वो रिड्यूस हो जाता है क्वालिटी। और दूसरा सेटिंग आपको जो करना है ये वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई और वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल डाटा, इसमें आपको डाटा सेवर कर देना है। क्योंकि ये जब हाई क्वालिटी में मोबाइल में पहले से रहता है ना या ऑटोमेटिक में, तो इससे आपके इंटरनेट डाटा तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, तो अब आपका डाटा भी बचेगा। तो ये हमारा तीसरा सेटिंग था। अब देखिए एक मैं यहाँ पे एक बोनस ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके मोबाइल के अंदर ना इस वजह से भी मोबाइल का इंटरनेट डाटा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब YouTube के अंदर मैं बता रहा हूँ, लेकिन देखिए ये चीज़ आपको मिलता कहाँ है, जब अबाउट फ़ोन में आप जाते हैं ना या सिस्टम अपडेट के ऊपर, तो सिस्टम अपडेट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपडेट फीचर मिलता है। देखिए अपडेट की वजह से ना मोबाइल में आजकल 2-3 GB का अपडेट आता है और इंटरनेट डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अपडेट पर क्लिक करके जब आप इसको ये सब आपका चालू रहेगा डाउनलोड ऑटोमेटिक वाला, ये सब डाउनलोड ऑटोमेटिक आप बंद कर दोगे तो इससे आपका इंटरनेट डाटा काफ़ी बचेगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये YouTube के बाहर का ये सेटिंग था, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। चलिए ये चीज़ आप कर लोगे तो आपके डाटा पे, आपके MB पे पूरा आपको कंट्रोल हो जाएगा। अब YouTube के सेटिंग में चलते हैं वापस से, और YouTube के सेटिंग में एक पेरेंटल कंट्रोल के ऊपर मैं बताऊंगा जानकारी। ये देखिए आपके जब जनरल में आप जाते हैं ना नीचे, तो आपको एक रेस्ट्रिक्ट मोड का ऑप्शन मिलता है।
रिस्ट्रिक्ट मोड में होता क्या है, जैसे देखिए वापस से सेटिंग में चलिए, जनरल में जाइए और ये नीचे आप कर देना है सबसे, रिस्ट्रिक्टेड मोड दिखेगा। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं ना, तो मैं आपको कहूँगा ये सेटिंग को चालू करके रखना है। अगर आपके मोबाइल को ज़्यादातर, आपसे ज़्यादा आपके बच्चे ही चलाते हैं घर में, तो ये चीज़ आपको बंद रखना है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोड को चालू रखना है, इसको बंद नहीं चालू रखना है। इससे होगा क्या, जो आपके मोबाइल के अंदर जो गंदे वीडियो ऐड वगैरह चलने लगते हैं ना, वो आपका बंद हो जाएगा और डर्टी वीडियो ऐसे वगैरह दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक नुकसान होता है कि आप तब सभी वीडियो में जब आप कमेंट करने के लिए चाहोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे कमेंट। तो अगर आपका फ़ोन आपसे ज़्यादा बच्चे ही यूज़ करते हैं, या आपके बच्चे का ही फ़ोन है, या घर में छोटे भाई बहन का फ़ोन है, तो उसके अंदर आपको ये सेटिंग कर देना है, ये रिस्ट्रिक्ट मोड को चालू कर देना है। इससे गंदे गंदे ऐड वीडियो दिखना मतलब बंद हो जाएगा। YouTube के अंदर भी अगर कोई ऐसी वैसी वीडियो 18 प्लस वाले एडल्ट वाले वीडियो बनते हैं, और बहुत बार आपने देखा होगा YouTube के अंदर थंबनेल वाले, गंदे थंबनेल वाले वीडियो वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो चीज़ अब ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो या घर में बच्चे हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन कर दीजिएगा। तो हम वीडियो में और भी आपको एक फीचर बताएंगे YouTube के ही, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया था ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे और वो भी अपने YouTube के अंदर ये सारी सेटिंग को कर पाएंगे, या WhatsApp में ग्रुप में भेज दीजिए सबके साथ। खैर, कमेंट में आपको लिख देना है YouTube बेस्ट ट्रिक, या जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट में लिख ही देना है, ठीक है ना। सो अभी देखिए, मैंने अभी चालू किया था ना, इसलिए मुझे कमेंट का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, तो ये बात है। अभी मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता किसी वीडियो के ऊपर, अगर मेरा रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन रहेगा तो, ये चीज़ है। तो खैर, हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, जो कि हमारे YouTube के अंदर मिलता है, और वो हमारा अगला सेटिंग है क्या दोस्तों, ट्रेंडिंग सर्च को लेकर के। हमारे फ़ोन के अंदर आजकल ना ये शिफ्ट हो गया, पहले हमें ऊपर में ही मिलता था ट्रेंडिंग का ऑप्शन, लेकिन अभी आपको ट्रेंडिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेंडिंग ऑप्शन को देखने के लिए ना, वहाँ पे देखिए कॉम्पास का एक ऑप्शन है ना साइड में, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ट्रेंडिंग आपको दिख जाता है। अब यहाँ पर से जो ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है, कोई मूवी, कोई ट्रेलर, या जो भी चीज़ इंडिया में चल रहा है वो आपको दिख जाएगा, जो वायरल जा रहा है। जैसे देखिए ये सब वीडियो वायरल में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग म्यूजिक, ट्रेंडिंग शॉर्ट, ट्रेंडिंग मूवीज़, इस तरह से दिख रहा है। आई थिंक ये कुछ था यूट्यूब के यूजफुल ट्रिक्स, जो कि आप सबको जानना चाहिए सेटिंग के बारे में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे थे ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।